भारत माता। प्लीज बैठिए, प्लीज ब्रदर। मैं बहुत शांति से सुन रहा हूँ, इसका तरीका ये नहीं है उचित हो कि आप टेबल पर आए। नहीं, गलत गलत तरीका ये। आप जैसे मैंने पानी सर, प्लीज जैसे मैंने प्लीज ब्रदर ब्रदर प्लीज भाई पानी ले। जैसे मैंने भाषण के शुरुआत में बोला, भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की, इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। भारत माता को आपने मणिपुर के लोगों के मारा, आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देश द्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज एक मिनट, प्लीज प्लीज बैठे, प्लीज प्लीज बैठिए। अब सवाल उठता है, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, आप बैठना चाहते नहीं बैठना चाहते, इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देश की हत्या की है मणिपुर में। मणिपुर में हिंदुस्तान की हत्या की है, भारत माता की हत्या की है मणिपुर में। मणिपुर के लोगों के दिल में एक मिनट बैठिए आप, एक तो सवाल उठता है, एक मिनट बैठिए, एक मिनट। आप भी विराजो आप बैठिए, सही नहीं बैठिए, रहने दो आप, चलो आप बैठिए, बैठिए आप, प्लीज बैठिए आप, प्लीज आप बोल रहे। फिर आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज मानस, प्लीज प्लीज मानस, प्लीज 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 प्लीज। देखिए मान्य सदस्यगण, प्लीज प्लीज मान्य सदस्यगण, भारत महामारी माँ है, हमें सदन में बोलते समय संयम बरतना चाहिए। मेरा अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं मणिपुर में अपनी माँ की हत्या की बात कर रहा हूँ, मैं आदर से बोल रहा हूँ। आपने मेरी माँ की हत्या की मणिपुर में, एक मेरी माँ यहाँ बैठी है, दूसरी माँ को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे, तब तक आप मेरी माँ की हत्या कर रहे हो। हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है, हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो, क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। तो अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं, तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। इसकी आवाज सुनते हैं, इसकी आवाज सुनते हैं, माने सदस्य, इसलिए सुनते हैं। नो नो, एक गलत तरीका माने सदस्य,